গুড ভাই আপনি কিছু বলুন আজকে রাইডের জন্য। আর কি বলো ভাই, हेलो दोस्तों, आज मैं और मेरे तीन दोस्त, हम लोग चार, तीन बाइक लेके जा रहे हैं दीघा। गुड भाई आपने किसी बोलो आज राइडर जन्म बोलो भाई आपन ओपिनियन देखिए कुछ को बोला ना मेरा गाड़ी चला दो खूब चिंता रोज আশা করছি হয়ে যাবে, কোনো চাপ নেই। कोलकाता से दीघा का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर से ऊपर है, तो हम लोगों को पहुंचते पहुंचते शाम हो गया, जैसा आप लोग देख ही पा रहे हो। दीघा पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस बीच है, मतलब बोला जाता है कि बंगाली लोग जो होता है उन लोगों का मिनी गोवा है दीघा। दीघा का जो एंट्री गेट है उसका जो मतलब आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दीघा एंट्री होने के बाद हम लोगों ने पहले क्या किया था, क्योंकि शाम हो गया था तो फटाफट हम लोगों ने रूम ले लिया था, उसके बाद बीच पे चले गए थे ताकि जो शाम का जो नज़ारा है उसका लुफ्त उठा सके हम लोग। और दीघा पे शाम के टाइम का जो नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो हर तरफ मतलब स्टॉल्स लगे रहते हैं फास्ट फूड का, फिश का, चिकन का, मतलब हर एक चीज़। आप लोग अगर वेजिटेरियन हो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ नॉनवेज है। हाँ, अगर आप लोग नॉनवेज लवर हो तो दीघा मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जगह है। तो दीघा बीच पे जाने के बाद हम लोगों ने पहला ऑर्डर किया था वो है कोला, कोला वाले से कोला मंगवाया। तो कोला का आनंद लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो झालमुड़ी का भी आनंद लेते हैं। झालमुड़ी जो है ये बांग्लादेश का बंगालीज हो या फिर पश्चिम बंगाल का बंगालीज, सब लोगों के लिए झालमुड़ी एक फेमस डिश होता है, इसीलिए झालमुड़ी के साथ साथ हम लोगों ने समुंदर का जो नज़ारा है उसका लुत्फ उठाया। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे चीपेस्ट जो बीच है वो है दीघा। अगर आप लोगों के पास बजट थोड़ा सा कम है और ख़ास करके स्टूडेंट्स लोग या फिर जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, बजट थोड़ा सा टाइट है, तो आप लोग आपके लोग एक मतलब बहुत फैमिली को लेके अगर घूमने किसी जगह पे जाना चाहते हो, ख़ास करके विंटर के टाइम पे, तो दीघा सबसे बेस्ट जगह है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो दीघा, और यहाँ से बहुत नज़दीक है पूरी, आप लोग उधर भी जा सकते हो, उसका भी नज़ारा ले सकते हो। तो दीघा पे जो शाम के टाइम पे पूरा स्टॉल लग जाता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, जो लोग नॉन वेज लवर है उसके लिए सच में दीघा बहुत ही सुंदर जगह हो सकता है। बहुत सारे फिशेस मिल जाएगा, बहुत वैरायटी का फिशेस आप लोगों को मिलेगा खाने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह हम लोगों ने क्या किया, दीघा के बगल में है मोहना और ताजपुर, ये दोनों भी सी बीचेस ही है, तो हम लोग वहाँ पर विज़िट करने के लिए चले गए एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, ताकि हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते करते वहाँ पर जा पाए। तो मोहना जो है एक्चुअली जो भी जहाज़ जो भी नाव
मछली पकड़ने के लिए समुंदर पे जाते हैं तो वो लोग रिटर्न मोहना पे आकर रुकते हैं। तो मोहना पे एक बहुत बड़ा फिश मार्केट है। तो अगर आप लोग कोई भी मतलब एकदम ताज़ा पकड़े हुए मतलब मछली चाहिए आप लोगों को तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो, आराम से वो वहाँ पर मतलब ख़रीदारी कर सकते हो। और जो प्राइस होता है मछली का वो बहुत ही रिजनेबल होता है। तो ये थी मोहना के बारे में। और मोहना पे जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है एक मतलब इंस्टाग्राम के लायक अगर पिक्चर उठाना है तो वो सबसे बढ़िया जगह है मोहना। वहाँ पे एक नंबर मतलब पिक आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए। अब बात कर लेते हैं दीघा आप लोग कैसे आओगे। दीघा आने के लिए आप कहीं से भी हो आपको पहले हावड़ा स्टेशन नहीं तो एस्प्लेनेड जो बस टर्मिनस होता है वहाँ पे आप लोगों को आना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर आउट ऑफ कोलकाता ही क्यों ना हो तो आप लोगों को पहले बाय ट्रेन आना पड़ेगा हावड़ा स्टेशन। और अगर आप लोग फ़्लाइट करना चाहते हो तो उसका भी सुविधा है, बाहर से किसी भी जगह से आप लोगों को फ़्लाइट मिल जाएगा कोलकाता के लिए। कोलकाता पे पहले फ़्लाइट पे आइए, वहाँ से कोई भी साधन लीजिए प्राइवेट या फिर सरकारी कोई भी एक साधन पकड़ के सीधा आ जाइए हावड़ा स्टेशन। अगर आप लोगों को ट्रेन पकड़ना है हावड़ा स्टेशन से लेकर दीघा तक ट्रेन अवेलेबल होता है, 3-4 ट्रेन है। जो भी ट्रेन का डिटेल्स है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा उसका टाइमिंग और फेयर। तो ट्रेन जो टाइम लेता है दीघा पहुँचने पर तकरीबन 4 से 4.5 घंटा, ठीक है। और अगर आप लोग भाई बस आते हो बस टर्मिनस से तो आप लोगों को लग जाएगा अप्रॉक्सीमेट 5 से 5.5 घंटा, ठीक है। तो बस का जो फेयर होता है वो आप लोग अगर सरकारी बस लेते हो तो आप लोगों को चार्जेस लगेगा 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक। और अगर आप लोग प्राइवेट बस और एसी बस लेते हो तो उसका जो चार्जेस मतलब स्टार्टिंग होता है वो 300 रुपये से लेके 600 रुपये तक। तो ये था पूरा बस फेयर का डिटेल्स। और बस जो है वो आप लोगों को अवेलेबल मिल ही जाता है एस्प्लेनेड जो बस टर्मिनस है उसको धर्मतला भी बस मतलब बस स्टैंड भी बोला जाता है। तो वहाँ से आप लोगों को हर आधा घंटा एक घंटे के अंदर अंदर दीघा के लिए बस मिल जाएगा, एकदम होल नाइट भी बस चलता है। तो बस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेन है, उसका डिटेल्स जैसे आप लोग देख पा रहे हो वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो दीघा आने के बाद सबसे पहला काम होगा आप लोगों का होटल बुकिंग करना। होटल बुकिंग के लिए मैं ही बोलूँगा अगर आप लोग हो सके तो जो भी ऑनलाइन मतलब सुविधा है जैसे हो गया ओयो हो गया मेक माई ट्रिप हो गया, बहुत सारे सुविधा है ऐप वैप है बहुत सारे चीज़ है, आप लोग उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हो, नहीं तो आप लोग होटल पे जाके भी होटल बुक कर सकते हो। दूसरा कोई भी वहाँ पे ऑटो वाला आप लोगों को बोलेगा कि मैं सस्ते से सस्ता होटल पे लेके जाऊँगा उस सब झमेले पे मत पड़िएगा, ये मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। आप खुद से होटल बुक करिए वो सबसे बढ़िया रहेगा। अब मैं बोलता हूँ होटल का जो चार्जेस है वो कैसे होता है। अगर आप लोग जो बीच एरिया है बीच के अगर 1 किलोमीटर के दायरे पे अगर होटल लेते हो तो उसका जो चार्जेस होता है वो 700 रुपये से स्टार्टिंग होके अप टू अप ही जाएगा, मतलब जितना भी हो सके उतना जाएगा, ठीक है। मैं कुछ कुछ होटल का नाम और जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो पर दे दूँगा। और जो अगर आप लोग 1 किलोमीटर के बाहर अगर होटल लेते हो तो उस पर आप लोगों को और भी सस्ता से सस्ता होटल मिल जाएगा, जैसे 400 रुपये से स्टार्टिंग होके और भी ज़्यादा मतलब जैसे आप लोग फैसिलिटीज़ लोगे उस हिसाब से होटल मिल जाएगा। जो भी होटल है वहाँ पे अटैच्ड बाथरूम आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कॉमन बाथरूम है, ये सारी चीज़ है अटैच बाथरूम वाला आप लोगों को होटल मिल जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर है। और होटल का जो कंडीशन होता है वो ठीक ठाक होता है। जो भी होटल का बजट है जैसे मैं मान लेता हूँ एक अटैच्ड बाथरूम के साथ पूरा के पूरा 700 रुपये पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया अच्छा एक होटल मिल जाएगा। दीघा पे जो पर होटल पे जो मील सिस्टम चलता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग चिकन थाली या फिर जो फिश थाली वो ऑर्डर किए हो तो आप लोगों को फ़िश के साथ या फिर चिकन के साथ आप लोगों को मिलेगा और एक्स्ट्रा 2 सब्जी उसके साथ दाल उसके साथ सलाद पापड़ सब कुछ। तो जो मछली वाली थाली है या फिर चिकन वाली जो थाली है
वहाँ पे चिकन और मछली के छोड़ के आप लोग कितना भी बहुत सारी चीज़ ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और भी चावल ले सकते हो, और भी मतलब दाल और सब्जी ले सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ता है। तो आप लोग उस पैसे से मतलब मान लीजिए 100 रुपये आपका थाली का कॉस्ट है, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 100 रुपये ही होता है, तो 100 रुपये आपका थाली का कॉस्ट है, तो आप उस 100 रुपये पे जितना पेट भर के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने के लिए बहुत ही मतलब सस्ते से सस्ता आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप लोग मतलब पर डे का कैलकुलेशन करता हूँ तो मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 300 से 400 रुपये तक खर्चा होगा एक दिन का खाने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। अब मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बोलूँगा जो है अल्कोहल, क्योंकि बीच साइड पे जाता है तो बहुत सारे जो मतलब नया नया जो लड़के लोग है या फिर लड़की लोग जो भी है जो लोग मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप लोग बीच पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते हो, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप लोग अल्कोहल लेना है तो आप लोग होटल पे आप लोग को रूम पे अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है उस पर। अल्कोहल का जो भी मतलब एफेलॉन शॉप होता है वो आप लोग को मिल जाएगा, अवेलेबल है बहुत ही सारा, दीघा के होल रोड पे ही आप लोगों को मिल जाएगा वो दुकान, बहुत सारे दुकान हैं, तो आप लोग किसी भी दुकान से वो सब चीज़ ले सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन टाइमिंग होता है रात के 9-10 बजे तक ही शायद खुला रहता है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, बहुत सारे जो मेरे भाई या फिर जो लड़के लोग हैं उन सब का एक मतलब इच्छा होता है कि हम लोग बाइक लेके खुद का बाइक लेके दीघा जाएंगे, तो उसके लिए कितना क्या कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा कोलकाता से लेके, मैं कोलकाता से कैलकुलेशन बोल देता हूँ, मान लीजिए आप कोलकाता जो स्प्लैनेट या फिर हावड़ा स्टेशन जो भी है उस एरिया से अगर आप लोग आते हो दीघा तक, तो उसके लिए जो आप लोगों को पेट्रोल का कॉस्ट पड़ेगा, जो भी जैसा भी बाइक है, चाहे 125 हो, चाहे 160 हो, या फिर 200 cc हो, या फिर 350 cc हो, जो भी हो, मिनिमम आप लोगों को 1000 रुपये का तेल लग जाएगा, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। 1000 रुपये के तेल पे आप लोग आना जाना दोनों ही हो जाएगा, चिंता नहीं है। 125 होगा तो बढ़िया रहेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा उस पर। तो पेट्रोल का भाव जितना जैसा है तो उस हिसाब से पकड़ लीजिए, मिनिमम 1000 से 1200 रुपये आप लोगों को तेल का कॉस्टिंग पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था बाइक लेके, और अगर कोई बाहर से कोई भी आता है तो कोलकाता से आप लोग बाइक रेंट भी कर सकते हो, उसके लिए भी कोलकाता पे बहुत सारे सुविधाएं अवेलेबल है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी मतलब स्ट्रीट फूड होता है शाम के टाइम पे जो भी खुलता है, जैसे फ़िश का मार्केट एकदम खुल जाएगा, आप लोगों को देखना रंग बिरंगी फ़िश लटकते हुए, और मतलब बहुत सारी चीज़ मिलता है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा जाँच पड़ताल करके वो सब चीज़ खाना या फिर नहीं खाना, वो भी सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को फ़िश खाना ही है, चाहे जितना भी वैरायटी का हो, तो आप लोग उसके बाजू में ही आप लोगों को मार्केट मिल जाएगा, तो मार्केट पे जाइए, जाने के बाद फ़िश सिलेक्ट करिए कौन सा लेना है, और उसके बाजू में आप लोगों को मिल जाएगा दुकान, वहाँ से आप लोग बनवा लीजिए, या तो फ़िश करी लीजिए, नहीं तो फ़िश फ्राई जो भी खाना है आप लोग खा सकते हो, उस पर कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्या है ना, ये थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। तो ये था पूरा जो मतलब खाने के लिए जो है, ये पूरा डिटेल्स आप लोगों को हो गया। इसके बाद आप लोग कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो दीघा पे, दीघा पे घूमने के लिए दीघा जो है एक बॉर्डर एरिया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का, तो आप लोग इजीली दीघा से उड़ीसा पे जा सकते हो। जैसे उड़ीसा का जो दीघा पे नज़दीक पड़ता है वो है चंदनेश्वर टेंपल, बहुत ही फेमस टेंपल है, आप लोग अगर बहुत ही मतलब श्रद्धा भक्ति है आप लोगों के अंदर तो आप लोग वहाँ पर विज़िट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चंदनेश्वर टेंपल बहुत ही बढ़िया जगह है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मालूम होगा कि उड़ीसा का जो भी टेंपल होता है वहाँ पे पूजा आप यूँ ही नहीं दे सकते, वहाँ पे पांडा सिस्टम रहता है, तो वहाँ पे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ये आप पहले से थोड़ा सा दिमाग पे रख के जाइएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग अगर सिर्फ घूमना है तो आप लोग जा सकते हो, देख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उड़ीसा का चंदनेश्वर टेम्पल बहुत नज़दीक पड़ता है, ईज़िली आप लोग जा सकते हो। और एक चीज़ है वो है उदयपुर बीच, जो दीघा के बाजू में ही मिलता है, वो पैदल भी आप लोग जा सकते हो, उसके लिए कोई भी ऑटो रेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गूगल पे आप लोग डाल दीजिए डायरेक्शन और चले जाइए, 1 किलोमीटर के या फिर 1 से 1.5 किलोमीटर ऐसा कुछ साइड डिस्टेंस है, आप लोग यूं ही बीच साइड पे वॉकिंग करते करते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो उदयपुर बीच है वो भी मतलब उड़ीसा वाले के लिए या फिर पश्चिम बंगाल वाले के लिए वो मिनी गोवा के रूप में जाना जाता है, तो उस पर आप लोग एकदम जो नदी के ऊपर मतलब सॉरी समुंदर के ऊपर आप लोग बैठ के एकदम टेबल पे बैठ के आराम से उस पर केकड़ा वेकड़ा जो भी क्रैब्स व्रैब्स होता है उसका आनंद ले सकते हैं।
एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था प्लास्टिक के बारे में, वो है प्लास्टिक प्रोहिबिटेड हो गया है दीघा एरिया पे। आप लोग जब प्लास्टिक का बैग जो कैरी करते हो कैरी बैग के लिए, वो मत करिएगा क्योंकि उस पर पाबंदी है दीघा पे। तो ये था कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी और इस साइड पे घूमने के लिए आप लोगों को ताजपुर और मोहना तो है ही, मैं पहले ही आप लोगों को बोल दिया। तो ये था पूरा को पूरा मतलब टूर प्लान। अगर आप लोग दीघा घूमना चाहते हो अच्छे से तो मेरे ख्याल से आप लोग 2 नाइट स्टे करिए तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे आप लोग, समुंदर का जो नहाने का जो आनंद है वो भी अच्छे से ले पाओगे। तो आप लोगों को 2 नाइट्स और 2 डेज सबसे बढ़िया रहेगा। सो दोस्तों 2 नाइट्स और 2 डेज के लिए आप लोगों को खर्चा लगेगा मैक्स टू मैक्स 2 से 3 हज़ार रुपये। 2 से 3 हज़ार रुपये अगर आपके पास है तो आप आराम से दीघा का बीच का लुप्त उठा सकते हो। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये आपका दीघा तक आना और जाना इसको छोड़ के है। बाकी वो जो जर्नी वाला जो कॉस्ट है वो तो आप ऐड कर ही सकते हो, उसको ऐड करोगे तो इतना पैसा होगा। तो बोलना ना जवाई जरा।